जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। बुक आप खोलें और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का आप यूज करें, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। यहाँ पर 3 केसेज दी गई हैं और इन तीनों केसेज में हम लोगों को चेक करना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर फाइंड करने का मेथड हम लोगों को मालूम ही है कि ये जो gx है इसको 0 के इक्वल करेंगे और इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे। रखने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो फैक्टर होगा और 0 नहीं आती है तो फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम gx को 0 के इक्वल करेंगे और gx की वैल्यू है x+1=0, यानी x=-1 हो जाएगा। हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो गया p-1=2 −1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये हो गया −1 का स्क्वायर −2 × −1, फिर ये हो जाएगा −1। तो ये हो गया p-1=2 −1 का हम क्यूब करेंगे तो −1 हो जाएगा और प्लस −1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। और ये देखें −(−) करेंगे प्लस हो जाएगा और 2×1 = 2 हो जाएगा और फिर −1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें p-1=2×−1 करेंगे तो −2 हो जाएगा +1 + 2 −1। आप देखें यहाँ पर −2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से −1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये x+1 जो होगा इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पर लिख देंगे हेंस gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो ये हम लोगों का फर्स्ट का सोल्यूशन निकला। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में px की वैल्यू दी गई है x³+3x² + 3x+1 और gx की वैल्यू x+2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ भी gx=0 करेंगे तो gx की वैल्यू आपकी x+2 है तो x+2=0 यानी x=-2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे −2 = −2 का क्यूब और प्लस हो जाएगा 3×−2 का स्क्वायर +3×−2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया p-2=−2 का क्यूब करेंगे −8 हो जाएगा +3×−2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और +(−) करेंगे −, और फिर ये हो जाएगा 3×2=6 हो जाएगा +1 हो गया। फिर हम यहाँ देखें तो p-2=−8 और 3×4=12 हो जाएगा और फिर ये हो गया −6+1। अब देखते हैं क्या मिलता है। p-2=, देखिए ये 12 और +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा।
और इसके बाद -8 और -6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -14, यानी इसकी वैल्यूज होगी -1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो जब ज़ीरो नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। फिर यहाँ हम लिख देंगे हेंस जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सेकंड पार्ट था ये सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, फिर यहाँ पर हम जी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और जी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अब हम यक्स के जगह पर 3 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो चलिए ये देखें पी 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब ये हो गया पी 3 इक्वल टू, तो 3 का आप क्यूब कीजिए तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और इसको अगर 3 और 6 को ऐड कर दें तो ये 9 हो जाएगा। अब ये पी 3 इज इक्वल टू देखें, अगर 27 और 9 को हम ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा 36, और माइनस 4 9 सा ये भी हो जाएगा 36। तो 36 से 36 कैंसिल हो गया। अब इस प्रकार जो है ये पी 3 की जो वैल्यू है, पी 3 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वैल्यू अगर 0 आ जा रही है तो अब जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे हेंस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, और हमें उम्मीद है कि ये तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।